चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। तो ये वीडियो नंबर मेरे ख्याल से पाँचवा है। ये कौन से नंबर में है? पाँचवा नंबर में। तो चलिए मैं इसके बताते चलता हूँ। इसने कुछ पार्ट जो अशोक का जो मुख्य था तो उसका छूट गया था, इसके बारे में बताता हूँ। इस बारे में तो अशोक के अभिलेख की सबसे पहले खोज किसने की? क्या बोल रहे हैं इसमें का? जो अशोक के अभिलेख इसमें लिख देता हूँ, इसमें अशोक के अभिलेख की खोज सत्रह सौ पचास अशोक के अभिलेख की खोज 1750 में ही किसने की? टिकिन थेलर। टिकिन थेलर ने की थी। किसने की थी? टिकिन थेलर ने की थी, इसको याद रखना। एक 1637 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप 1637 ईस्वी में, तो सर्वप्रथम अशोक के सोलह सौ सैंतीस ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया? सर्वप्रथम जो अभिषेक के सॉरी जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, इसने खोज इसने की पढ़ने में सफलता प्राप्त की, इसने पढ़ने में सफल हुआ, कौन हुआ? ये जेम्स प्रिंसेप 1637 ईस्वी में। अशोक जब सम्राट बना नहीं था ना, उसके पहले वो कहाँ का? अवंती का प्रांत पति था। अवंती का क्या था? प्रांत पति था, इसको याद रखना। अशोक के गवर्नर थे यवन राज तुसास ने क्या किया? सुदर्शन झील नहर बनवाया। क्या बनवाया? सुदर्शन झील नहर बनवाया, इसको याद रखिए। तो भारत ने, इसको याद रखना, भारत में अभिलेखों द्वारा क्या किया? जनता को संबोधित करने का श्रेय अशोक को है, क्योंकि उस टाइम ना पहले उतना नहीं था अभिलेख उभिलेख, इन्हीं के द्वारा जो अशोक द्वारा अभी बहुत सारे अभिलेख मतलब इसके द्वारा क्या करवाए गए, बनवाए गए, और उसका श्रेय किसको जाता है? अशोक को ही जाता है। इसकी इनको प्रेरणा थे, एक ईरानी का शासक था उस टाइम में, ईरान का एक शासक था, उससे प्रेरणा मिली। किसको? अशोक को मिली, दारा प्रथम के नाम से जानता था दारा प्रथम के नाम से जानता था, इसको याद रखना आप। और जो अशोक के रुक्मिणी अभिलेख से है ना, इसकी क्या अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिली, सबसे छोटा अभिलेख है, इसको याद रखना। एक है सहगोरा अभिलेख, एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, सहगोरा अभिलेख। महास्थान अभिलेख भी है बंगाल से, ग्रामीण बंगाल के आसपास, इसको भी याद रखना। एक था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कोषागार में से अनाज वितरण की जानकारी मिलती है, जो कोषागार में से अनाज वितरण की क्या मिलती? जानकारी मिलती, इसको याद रखना। और कल्याण के राज तरंगिणी के अनुसार जो अशोक ने क्या किया? क्या बोल रहा हूँ इसमें? कल्याण के राज तरंगिणी के अनुसार अशोक ने जो कश्मीर में झेलम नदी के किनारे
श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की, इसको याद रखना, जो कल्हण की राज तरंगिणी थी। उसके अनुसार अशोक ने क्या किया था, कश्मीर में जो झेलम नदी के किनारे श्रीनगर की स्थापना की थी, इसको भी याद रखना। इसका जो राज्य तिलक हुआ था अशोक का, 15 साल में हुआ था, 15 वर्ष 6 माह में, इसको याद रखना। पंद्रह वर्ष 6 माह थी। और अशोक ने अपने शासन के 24वें वर्ष में क्या लुम्बिनी की यात्रा की, इसको याद रखना। लुम्बिनी की यात्रा क्या की 24वें वर्ष में, ठीक है, और राज्याभिषेक के समय वो 20वें वर्ष में था। चौबीसवें वर्ष में जो राज तिलक हुआ 15 वर्ष, और राज्य अभिषेक हुआ 20 वर्ष में, और अशोक ने शासन के 24वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, इसको याद रखना। सातवां अभिलेख जो है सबसे लंबा अभिलेख, इसको याद रखना, सबसे सबसे लंबा अभिलेख है क्या है, सातवां अभिलेख किसका, सबसे लंबा अभिलेख कौन सा, सातवां अभिलेख तो कलिंग विजय हुआ राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, जो कलिंग का जो विजय हुआ ना राज्याभिषेक के जो 8वें वर्ष में हुआ, जब 8वां वर्ष जब राज्याभिषेक के बाद उसे हुआ था, जो 20वें वर्ष में लगभग 28 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में, क्या बोल रहा हूँ, 28 साल की उम्र में क्या हुआ, कलिंग विजय हुआ, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, इसको याद रखना। आदि हाथी गुम्पा अभिलेख में उल्लेख है कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी, जो आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र था वो किसमें उल्लेख है, हाथी गुम्पा अभिलेख में उल्लेख है। और अशोक क्या किया, 99 भाइयों के अपने हत्या करके शासक बना, इसको याद रखना। देव नाम प्रियदर्शी है ना, तो इसका उल्लेख भी उसमें किया गया है अभिलेखों में। और जो मास्की हो गए, गुर्जरा और नेतुर है, उद्गोलन है, उस अभिलेखों में क्या अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, और बाकी में देवनामपुरी कई ठो में अलग अलग है। पुराणों में अशोक वर्धन का कहा जाता है इसको, इसको बुद्ध शाक भी बोला जाता था। और इसका राज्याभिषेक किसमें लिखा गया, मास्की शिलालेख, लघु शिलालेख, मास्की का एक लघु शिलालेख। इसमें क्या किया, उल्लेख किया गया रुद्र दामन के जो जूनागढ़ है, देखिए इसमें बताता हूँ कि रुद्र दामन के जूनागढ़ है, जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के नाम का उल्लेख। क्या बोल रहा हूँ, रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के नाम का उल्लेख है। और अशोक के 13वां शिलालेख से ज्ञात होता है कि जो अशोक के जो 13 शिलालेख में क्या होता है, जो उसमें जो द कलिंग से जब युद्ध के बारे में उसमें उल्लेख है, किसके बारे में, जो 13वां शिलालेख में क्या है कलिंग के उसके युद्ध के बारे में, तो उसमें क्या होता है, कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए है ना, और 1.5 लाख बंदी बन गए। सोचो कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए, तो इससे मन उसका द्रवित हुआ और जो युद्ध को त्यागने की इसने घोषणा कर दी।
तो अशोक ने क्या किया, जो निर्ग्रोथ एक प्रवचन हुआ है ना, उससे प्रभावित होकर राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, चौथे वर्ष में। अब आठवें वर्ष में क्या हुआ, आठवें वर्ष में युद्ध लड़ने गया था, राज्याभिषेक के आठवें वर्ष में ये युद्ध लड़ने गया था, इसको याद रखना, कलिंग का विजय करने गया था, कलिंग विजय किया। अब बौद्ध धर्म पहले से ही स्वीकार कर लिया था, जो दीपवंश महावंश में इसका उल्लेख भी मिलता है, आप देखो देख सकते हो उसमें। इसने एक दो जो कलिंग युद्ध के बाद जो इसने धम्म घोष को अपनाया था, इसको याद जान रहे होंगे। और इसका विस्तार जो अफगानिस्तान से दक्षिण में कर्नाटक है ना वहां तक फैला था, पश्चिम में काठियावाड़ था, पूर्व में बंगाल की खाड़ी था, और नेपाल में जाके एक ललित पत्तन नामक नगर बसाया था, तिब्बती जनश्रुति के अनुसार उसमें मिला था। और नेपाल के तराई से अशोक के दो अभिलेख मिले, एक रुक्मिणी अभिलेख, एक निगलिवा स्तंभ लेख। तो रुक्मिणी में कर नीति की जानकारी मिलती है, मतलब आर्थिक रूप से कर टैक्स उसके बारे में उसमें जानकारी मिलती है नेपाल के उसके तराई वाले रीजन से। एक निगलिवा स्तंभ लेख इसके तरफ मिलती है। अशोक जो भगवान शिव की पूजा करता था, इसको याद रखना, राज तरंगिणी के अनुसार राज तरंगिणी के अनुसार जो है अशोक है भगवान शिव की क्या करता था, बहुत पूजा करता था। लेकिन बौद्ध धर्म बाद में अपनाए और शिव मंदिर भी इसने जीर्णोद्धार कराया, मतलब सुधार उधार करवाया। इसका एक सहयोगी भी था सेनापति राधा गुप्त, क्योंकि राधा गुप्त ही उसका जो कौटिल्य का जो उसके उत्तराधिकारी था, इसका जब प्रधानमंत्री जो चंद्रगुप्त चाणक्य जब वो हटा ना उसके बाद यही था। तो अशोक के जो जो उत्तराधि विद्वानों से संबंध में मतभेद है कैसे, तो इसमें कई सारे उत्तराधिकारी थे उनके जो समय में, जो तीवर थे, जालोक थे, कुणाल थे, महेंद्र अशोक के पुत्र थे। तीवर, जालोक, कुणाल, एक महेंद्र, चार पुत्र थे उसके। तो कई लोग बोलते कुणाल उसका अशोक का उत्तराधिकारी मानते हैं, कुणाल को इसका जो उत्तराधिकारी कुणाल को मानते हैं। तो इसका जो है 232 से 224 तक ईसा पूर्व तक, ज़्यादा शासन नहीं था, 10 वर्ष, मतलब 8-9-10 साल, 10-12 साल। कुणाल के बाद उसका पुत्र था, एक इसका पुत्र दशरथ, 224 से 216 तक। ठीक है, इसको याद रखना। और जो आजीवक संप्रदाय के, मतलब आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन, दशरथ उशरथ लोग। और जो नागार्जुन गुफाएं थी वो आजीव जो आजीव मतलब आजीवक संप्रदाय थे उनको समर्पित थी, इसको भी याद रखना, जो बनाया गया था उनके द्वारा। अंतिम सम्राट था इसका बृहद्रथ, अंतिम था बृहद्रथ, अंतिम शासक था ये बृहद्रथ, इसको याद रखना। मौर्य प्रशासन के मतलब मौर्य जो साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। फिर एक इनका मौर्य प्रशासन के बारे में बताता हूँ इसमें क्या, तो कौटिल्य का प्रशासन अलग था ना, उसको जो अलग इसके द्वारा, और उनमें राजा उजा का प्रशासन वो अलग चलता था, और इनकी जो नीति भी अलग थी, जो धर्म नीति थी है ना, इनका राजस्व कैसा था, न्याय व्यवस्था कैसा था, हर चीज़ को मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन इसका ऐसा लग रहा है एक और वीडियो बन सकता है, तो मैं इसको बोल के ही बता सकता हूँ ऐसे, मतलब कि लिखने में बहुत टाइम लगेगा इसमें, एक वर्ड लिखता हूँ उसको फिर मैं बताते चलता हूँ, क्योंकि मेंस में ऐसे ही पढ़ाते हैं उसको, हर चीज अब बुक से देखेंगे ना तो समझ में आएगा। कौटिल्य का प्रशासन,
तो कौटिल्य का जो प्रशासन था, जो आपका चाणक्य का प्रशासन, चाणक्य क्या था प्रशासन, इसका उल्लेख जो है चार विधाओं में मिलता है। चार विधाओं में क्या होता है, मिलता है। चार विधाओं में एक दर्शन है ना, एवं तर्क, इसको याद रखना। दर्शन और तर्क में दिया गया, अनुच्छिकी में एक त्रय था। इसमें धर्म अधर्म के बारे में बताया गया, धर्म अधर्म, वेदों का ज्ञान, ज्ञान से संबंधित था। एक वार्ता हो, वार्ता में बांटा गया था, ये आपका कृषि व्यापार से संबंधित है। कृषि और व्यापार उपाय जो होता था ना, और भी इसके कई सारे पहलू थे। दंड नीति था एक, एक राजनीति शास्त्र, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। कौटिल्य का प्रशासन चाणक्य चार विधाओं में मिलता है, इसको याद है। तो अनुवीक्षिकी क्या है, दर्शन एवं तर्क है ना, और त्रय क्या है, धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान, ठीक है। और वार्ता क्या है, कृषि व्यापार संबंधित है। और दंड नीति क्या है, शासन कला या राजनीति शास्त्र। ठीक है, क्या बोला, अनुवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, दर्शन एवं तर्क, धर्म अधर्म वेदों का ज्ञान, वार्ता कृषि व्यापार, दंड नीति शासन कला और राजनीति शास्त्र, इसको याद रखना। इसकी जो रचना काल थी, एक दंड नीति बनाई थी अर्थशास्त्र का, है ना। तो तीसरी से चौथी से तीसरी शताब्दी के आसपास में, शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो संस्कृत भाषा में उसने लिखा था। इसमें जो रचना शैली थी गद्य और पद्य में, जो अर्थशास्त्र की जो भी इसने बांटा था अर्थशास्त्र को, ये चार विधाओं में तो इसको उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका भी एक विषय उसे दंड नीति जो बनाया था, तो उसको ना 15 भागों में बांटा था, जो दंड नीति इसको 15 भागों में लगभग बांटा था। इसका वर्णन किया गया, अधिकरण उद अधिकार उद क्षेत्र को। उस समय इन जो पद उत्था ना, एक कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत भी है, जो राज्य के प्रमुख अंग भी थे। इसने उत्पत्ति का भी सिद्धांत दिया था राज्य के, कौटिल्य की, इसको याद रखना कि राज मतलब कैसे, मतलब समाज में जो नियम विनियमन, समाज में जो अराजकता, मतलब अराजकता प्राप्त है, व्याप्त है, मतलब उसको कम कैसे किया जाए। बेसिकली जो राज्य की उत्पत्ति, जो कौटिल्य का मत्स्य न्याय अनुबंध है, उसमें उल्लेख है, मतलब वो लोगों की परेशानियों के बारे में उसमें बताया गया है, जो उनके मनु और प्रजा के बीच जो समझौता हुआ। मनु एक राजा था उस टाइम में, तो उनको जो आय का जो कुछ हिस्सा उनको दिया जाता था, इनकम उनकम, इसको याद रखना। तो प्रशासन के बारे में बताता हूँ इसमें क्या मैं। तो कौटिल्य का एक सप्ताह सिद्धांत था, इसको देखिए। पहला स्वामी था, अमात्य भी थे, जनपद उसमें थे, दुर्ग थे, कोष थे, दंड या सेना थे उसमें, मित्र भी थे। तो कौटिल्य का सप्ताह सिद्धांत है, इसके अनुसार ही मतलब राज्य के अंग माने जाते इनको, क्या राज्य के अंग थे। स्वामी था एक, अमात्य भी थे, जनपद भी थे, दुर्ग भी थे, किले भी थे, मतलब कोष भी था एक, मतलब कोष मतलब धन से रिलेटेड कोष था,
दंड या सेना भी था, उनके पास मित्र भी थे। तो ये सभी चीज़ शब्दार्थ सिद्धांत है किसी भी राज्य या क्षेत्र या देश को चलाने के लिए, ऐसा मतलब उसने सिद्धांत दिया। और प्रशासन में उनके पास कौन कौन थे, राजा होता था एक, उनका मंत्री परिषद जिसको ये अमात्य दिया है ना, यही मंत्री परिषद। और राज्य की विदेशिक नीति होती थी, राजदूत होते थे जो भी वर्तमान में हम लोग राजदूत इस्तेमाल करते हैं, दूसरे दूसरे देश भेजते हैं। गुप्तचर विभाग था जो भी वर्तमान में भी हम लोग का सीक्रेट वाला होता है, सीक्रेट मिशन उशन कुछ कराते हैं तो उसमें उन लोग का गुप्तचर विभाग था। दंड व्यवस्था है थी है ना, न्याय व्यवस्था थी, दंड देने वाला न्याय व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था भी थी, कोष एवं अर्थव्यवस्था भी थी, और राज्य की रक्षा व्यवस्था भी थी, और स्थानीय शासन भी था उस टाइमिंग में। क्या था, स्थानीय शासन भी उस टाइमिंग में था, इसको याद रखना। राजा, राजा को याद रखिए, राजा राजा के 7 अंगों में से राजा को ही मतलब राज्य का सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना जाता है, इसको याद रखना। जो राजा थे, जो 7 अंग थे, ये बताया ना, 7 अंग थे, 7 अंगों में राजा को ही क्या सर्वोच्च मतलब प्रधान मांगा जाता है, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। क्या बोल रहे हो, इसमें सर्वोच्च एवं प्रधान अंग माना जाता है उनको। तो राजतंत्री शासन व्यवस्था का समर्थन इन लोग करते थे उस टाइम में।